बैक टू माई चैनल। सो आज जो है शुभ संकेत ने फिर से एक नया गेम खुलवा लिया है और जो है बोला कि नहीं अब हमें जो है इससे खेलना है। वो बहुत टाइम से पीछे पड़े हुए थे कि इसको जो है हमारे लिए ना घर पे कहीं लगवाओ, तो अभी जो है उनको वो लगा के दिया है और इन्होंने इतना परेशान कर दिया, इतना परेशान कर दिया है। अब तो हमें ऐसा हो रहा है कि हमने ना गलती कर दी और उसके बाद हमें अपनी घड़ी की जो है जगह भी चेंज करनी पड़ी, क्योंकि अब इन्होंने फिर से तोड़ फाड़ सब कुछ, तोड़ ताड़ जो होती है ना वो सब स्टार्ट कर दिया। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ दोनों कर क्या रहे हैं। जो गेम घर के बाहर खेले जाते हैं ये दोनों वो घर के अंदर खेल रहे हैं। और यहाँ पे हमारी घड़ी लगती थी वो हमने अब यहाँ से हटा के यहाँ शिफ्ट करिए, और ये नहीं पता कि यहाँ पर भी कितने दिन के लिए लगा रखी है इन लोगों ने। संकेत नो बस इन दोनों का तो बस यही चलता रहता है पूरे दिन। आजकल वेकेशन है तो फुल एंजॉय चल रहा है। सो यहाँ पर जो है ना मैं काफ़ी टाइम से ना मैं सोच रही थी, जो ये मेरे पास मतलब ना ये जार पड़े हुए थे कांच के, तो क्या था इनकी जो क्या कहते हैं लिड है वो बिल्कुल भी, इनके जो ढक्कन है ना बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं इन पे, और मतलब बार बार जो है निकल जा रहे हैं, कोई भी सामान रखो तो ख़राब हो जा रहा है। तो मैंने इससे इस पे ना जो है डेकोरेट करके जो है कुछ इस तरीके से इसको बनाया, और इस पे जो है जो वर्ली आर्ट होती है ना वो करने की कोशिश करी थी। आई डोंट नो मतलब आप लोगों को कैसा लगेगा, लेकिन वैसे देखने में इतना बुरा नहीं लग रहा था, अच्छा ही लग रहा था। मैं सोच रही हूँ कि इसको कुछ फ्लावर पॉट टाइप का, इस टाइप का बना लूँगी इसको। सो इसको करने के लिए मैंने पहले क्या किया था ना, ये जो जार था कांच का उस पर पहले जो है मैंने कलर कर लिया था, और मैंने इसे ना फॉर्म से पेंटिंग करी थी, इसे जो है फॉर्म लिया था मैंने उससे, मैंने ब्रश से कलर नहीं किया था, फॉर्म से किया था इसमें। और जो है क्या कहते हैं उसके बाद मैंने इसमें ब्लैक कलर से ब्लैक कलर लेके मतलब वो जो डिज़ाइन बनाया हुआ है जो वर्ली जो मैंने आर्टिस्ट में करी है फिर वो करी थी इसमें। सो आप वीडियो में देख सकते हैं आगे कि किस तरीके से उसको किया हुआ है। तो पहले मैंने इस तरीके से एक बाउंड्री वगैरह बनाई थी, ऐसी मैंने फिर नीचे भी बनाई एक बाउंड्री। सो क्या होता है ना घर पे जब कोई चीज़ वेस्ट हो रही होती है या फिर मतलब कोई चीज़ ऐसा होता है यूज़लेस होती है आपके काम की नहीं होती है, तो कुछ ना कुछ जो है ऐसा होता है ना चीज़ें रीयूज़ हो ही जाती हैं, तो हमें जो है देखना चाहिए कि हम किस चीज़ को हम रीयूज़ कर सकते हैं दोबारा। अभी मैंने कुछ और भी चीज़ों के साथ सोच रखा है कि मैं क्या करूँगी, अगर मैं कुछ करूँगी तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हम कैसे चीज़ों को अपना मतलब रीयूज़ में हम उसको ला सकते हैं। मेरा ये जार किसी भी काम का नहीं था देखा जाए तो, क्योंकि क्या था ना तो मैं इसमें कोई सामान रख पा रही थी कुछ हो पा रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ इस तरीके का इसमें बना लेती हूँ, थोड़ा सा डेकोरेट कर दूंगी इसको, देन उसके बाद अगर मेरा मन करेगा तो मैं इसमें फ्लावर पॉट मतलब फ्लावर वगैरह जो है रख के वो सजाने का, या फिर जो है आप चाहो तो इनमें जो है पेन वगैरह रख के उनको पेन होल्डर भी बना सकते हो, उसकी तरह भी आप यूज़ कर सकते हो इसे, तो आप कैसे भी आप मतलब यूज़ कर सकते हो, आप इसे रीयूज में ही आपके आ सकता है।
सो ये जो काम है ना, मैं रात को लेकर बैठी थी करने के लिए, और मुझे रात को जो है मैंने मतलब वही हम लोग घूम के आते हैं रात को, मैं रुकी थोड़ा सा वॉक पे जाते हैं, देन उसके बाद जब हम घर आए थे उसके बाद मैंने किया था। मुझे करते करते से 11 साढ़े ग्यारह के आसपास मुझे बच गया था, और ये लोग जबकि सब सो भी गए थे, क्योंकि शुभ संकेत जब सो जाते हैं ना तो उसके बाद ही ये सब काम हो पाते हैं, क्योंकि अगर मैं उनके सामने अगर करने के लिए बैठूंगी ना तो मुझे कुछ ही नहीं करने देते हैं दोनों के दोनों। वो आ जाते हैं, वो अपनी कलरिंग स्टार्ट कर देंगे इसमें। सो जब वो दोनों सो गए थे उसके बाद मैंने किया। सो फाइनली मेरा ये हो चुका है कंप्लीट। सो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में।